आज आई थी, इसको पीएमसीएस में था दिखवाना, तो शाम हो गया तो हम लोग आज जा रहे गुरुद्वारा। बोलने का भी ताकत नहीं बच्चा, आज का मेरा ब्लॉग का शुरुआत होता है रोड पे से हर दिन की तरह। और अभी 5:30 हो रहा है गाइस, और हम अमृता और पीछे मम्मी आज आई थी, इसको पीएमसीएस में था दिखवाना, तो शाम हो गया तो हम लोग आज जा रहे गुरुद्वारा। मम्मी कभी गुरुद्वारा नहीं घूमी है, नहीं ना घूमी है जी, आज तक गई है गुरुद्वारा। मम्मी हिमाचल की तरफ पंजाब का गुरुद्वारा गई है, लेकिन इधर का नहीं। तो आज हम लोग तीनों जा रहे गुरुद्वारा मम्मी को स्पेशली घुमाने। हम लोग तो मतलब 3 बार गए अमृता, हम लोग तो 2 बार ऑलरेडी जा चुके हैं, मम्मी नहीं गई है। तो चलिए देखते हैं मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं हम लोग कारगिल चौक। कारगिल चौक से ऑटो लेंगे तो वहाँ को पहुँचाएगा गाय घाट। गाय घाट से फिर एक ऑटो लेंगे तब हम लोग को पहुँचाता है गुरुद्वारा। हम लोग को 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कारगिल चौक के पास आए हुए, यहाँ से ऑटो लेकर पहुँचते हैं गाय घाट। गाय घाट जाने में ना कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से लग जाता है। जाम नहीं मिला तो, अगर जाम मिला तो 40 से 45 मिनट में लग जाता है, और वहाँ से जाने में 10 से 15 मिनट। तो अभी जल्दी से ऑटो लेते हैं गाइस। हम लोग ऑटो पर बैठ चुके हैं यहाँ से गाय घाट जाने के लिए, लेकिन देखिए कितना ट्रैफिक है। मम्मी मर इधर बैठे लग दोनों तरह से सोले फीलिंग में, बसंती नहीं नाचेगी वैसा लग रहा है। और इतना ज़्यादा हम लोग ट्रैफिक में खाली बार बार फंस जा रहे हैं, और लोग पहुँचते पहुँचते गुरुद्वारा आराम से 7 बन जाएगा। अभी देखिए ना पीएमसीएच की तरफ से देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखिए कितना ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पता नहीं कितना टाइम लगेगा गाइस। तो हम लोग फाइनली 1 घंटे के बाद गाय घाट पहुँचे। अभी यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग को ऑटो लेना पड़ेगा गुरुद्वारा के लिए, उससे ऑटो मिलता शायद उस साइड से, तो हम लोग को सबसे पहले उस साइड जाना होगा। ये हम लोग अब लिए हैं गाय घाट से 2nd ऑटो गुरुद्वारा के लिए। तो जल्दी से यहाँ से ज़्यादा देर नहीं लगता, लेकिन यहाँ से 10 मिनट पहुँच जाएंगे, 10 मिनट पहुँचते हैं गुरुद्वारा गाइस। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए गुरुद्वारा। अब यहाँ रिकॉर्ड करना नहीं रहेगा तो सारा मैं म्यूजिक डाल दूँ। तो मम्मी को गुरुद्वारा लेकर आए, और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गुरुद्वारा घूमकर। मम्मी को पटना में 2 ही जगह जाने का सबसे ज़्यादा मन होता है, एक गुरुद्वारा और दूसरा पटन देवी मंदिर। कभी और आएगी तब पटन देवी मंदिर घुमा देंगे, क्योंकि मेरे गाँव पर कोई नहीं है, अकेले मामा बाबा। तो मम्मी को बस 1 ही दिन रुकना है, और इसको पीएमसीएच में था दिखवाना, इसीलिए। तो मम्मी को गुरुद्वारा बहुत अच्छा लगा घूमकर, बोली बहुत ही अच्छा और बहुत शांति टाइप लग रहा था, और मम्मी खूब मजे कर रही थी यहाँ पे गाइस। तो अब हम लोग गुरुद्वारा के बाहर हैं, और ये इसका मेन मार्केट पे कोची देख रही है अमृता। अच्छा ब्रेसलेट वाला, हम लोग अंदर गए घूमे और काफी अच्छा लगा। अंदर तो कुछ उतना रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि उतना रहता है नहीं अलाउ, तो हमें सोचे भाई अब हम उतना नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। और मम्मी तो फिर इसके बाद अभी इसका मार्केट में घूम घूम कर देख रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। एक जगह चाट तो दिखा है, देखिए शायद वही खाएंगे, पता नहीं कैसा लगेगा, पूछते हैं भैया से कैसा है क्या है नहीं है। अभी हम लोग चाट बनवा रहे गाइस, एक हम मम्मी और अमृता। भैया सुनिए ना, 2 में ना मिर्ची बिल्कुल मत डालिएगा, और यहाँ पे बन रहा है हमारा चाट। इधर आ जाओ मम्मी, एक में मिर्ची मम्मी वाला दे दो, हम लोग में मिर्ची नहीं डालिएगा भैया। हम मम्मी लोग से पूछते हैं कैसा ना मम्मी, ठीक अमृता बताना तो टेस्ट करके। इधर का थोड़ा अलग ही टेस्ट रहता है ना भैया, मिर्ची नहीं डालिएगा। कैसा लगा, बढ़िया टेस्टी, ठीक है मेरा बन रहा है गाइस। गाइस तो हम जल्दी जल्दी हम लोग अपना चाट खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। उसके बाद 8 बज गए, 8 बजने वाला है, फिर हम लोग घर के लिए भी निकलेंगे, तो जल्दी जल्दी साफ साफ चट करते हैं। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये इसका मेन गेट के पास देखने का ना व्यू ही बहुत अलग था, और आज इतना ज़्यादा भीड़ था यहाँ, बहुत ही ज़्यादा फ्राइडे था इसलिए क्राउड था। गाइस तो हम लोग घूम लिए और चाट खाए, और हम लोग लगता है 1 घंटा रहे होंगे यहाँ। देख रहे 1 दिन भर चिराग के पास मान के देखते ही रहते, इसको कोई काम धंधा नहीं है। तो सीधे गाइस ऑटो लेते हैं,
अच्छा 2 मिलियन। सब चिराग पासवान को देखते देखते गाइस पहुंचते हैं अब अपने घर, देखते हैं और गांधी मैदान को तो मिलता है। गांधी मैदान तीन को आगे से, तो गाइस हम लोग को गांधी मैदान का ऑटो आगे से मिलेगा, तो सबसे पहले जाते हैं आगे, वहां से ऑटो लेते हैं, फिर जाते हैं गांधी मैदान। गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारा से, हम मम्मी तक, मम्मी पीछे, मम्मी भूलिए ना, हम मम्मी पीछे हैं। और अब यहाँ से ऑटो में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है ना, आने जाने में ऑटो मिलता है नहीं मिलता है, जनरली मिलता ही नहीं। अब देखते हैं, देखिए मेन रोड के पास आए हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को जाने में लगा था और 1 घंटा हम लोग रुके, और अब लौटने में पता नहीं कितना देर लगता है, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। गाइस तो अभी हमारा बज रहा है 9:30 और अभी हम लोग अपने गली में आए, इतना लेट, इतना ट्रैफिक। हम लोग सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रेन से कैसे जाया जाता है पटना सिटी, मतलब गुरुद्वारा, बहुत ज़्यादा जाम था। देखिए इधर अमृता जा रही है, इधर मम्मी जा रही है, जल्दी से गाइस अब रूम पे पहुँचते हैं, बोलने का भी ताकत नहीं बचा। वहाँ हम लोग को मात्र 1 घंटा रुक कर 2 घंटा जाने में लगा और 1 घंटा आने में लगा। अब ट्रेन का जुगाड़ करना पड़ेगा कि ट्रेन आखिर कैसे जाता है, क्या जाता है, और जिसको पता हो हमको बता दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी गाइस पहुँचते हैं घर, फिर कुछ खाते पीते हैं, वहाँ बस चाट ही खाते, वो भी चाट हमको उतना अच्छा कोई खास लगा भी नहीं था। तो गाइस आज है हमारा 8 तारीख और बज रहा है 3 और 4:30 बजे वाला से मम्मी को है जाना, तो इसको हम जा रहे हैं एग्जीबिशन रोड छोड़ने, वहाँ से फिर चले जाएगी कहाँ, घर तिनेरी। और बाप रे बहुत धूप भी किया हुआ है एकदम। तो मम्मी यहाँ आई थी मेरे लिए, इसको था PMCH में दिखवाना, वो हम लोग कल दिखवाए, फिर हम लोग कल गुरुद्वारा गए, फिर रात में आते आते हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो आज हमारा 8 तारीख है और 3 बज रहा है और मम्मी को जा रहे हैं एग्जीबिशन रोड की तरफ से, वहाँ से ऑटो मिल जाता है और 4:30 में इसका ट्रेन है। तो चलिए गाइस इसको छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, फिर आज ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर जो जो करते वो दिखाते हैं। मेनली इतना गर्मी, हमको दरभंगा भी जाना है, इतना गर्मी है कि गर्मी की वजह से कहीं नहीं जा रहे, और फिर घर भी जाएंगे 15 तारीख के बाद ही ना, 15-16 तारीख के बाद ही जाएंगे, क्योंकि हमको EWS बनवाना है, मेनली EWS ही बनवाने जाना है। मेरा जाति आवास ये आए, अभी ये तीनों बन के नहीं आए, तो ये तीनों बन के आ जाते हैं, उसके बाद घर पे जाकर हम आफिडेविट बनाएंगे, फिर सारा कुछ अप्लाई करेंगे। तो इसको पहले छोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस तो फाइनली अभी हम मम्मी को छोड़कर जाकर ऑटो बैठा कर और फिर अपने गली में टर्न आ गए हैं, फिर जा रहे हैं हम अपने घर। अभी 3:15 ऐसे आसपास हो रहा है और 4:30 में ट्रेन है। जल्दी भेजने का रीज़न क्या होता है या जाने का, कि उसको सीट मिल जाता है या कोई भी रहता है ट्रेन का, जल्दी आधा घंटा पहले जाइए तो सीट मिल जाता है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले पहुँचते हैं अपने रूम।